हाय फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। ये ना ही ढाबा स्टाइल से है, ना ही रेस्टोरेंट स्टाइल से। ये सब्जी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। वो बैंगन की सब्जी इस तरह से बनाती है और जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यकीन मानिए, एक बार ट्राई करने के बाद आपको भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले सिल बट्टे में हम 2 टेबलस्पून जितना लहसुन डालेंगे। लहसुन के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 7 से 8 काली मिर्च। फिर इसे अच्छे से कूट लेंगे ताकि एक पेस्ट फॉर्म हो जाए। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से कूट चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 से 2.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर ये सब्जी मैंने तीखी बनाई है इसीलिए। फिर 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये सब्जी थोड़ी स्पाइसी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए, पेस्ट रेडी है स्टफिंग करने के लिए। अब एक बोल में पानी लेंगे और यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 ग्राम जितने, यानी 100 ग्राम जितने बैंगन। छोटे वाले जो आते हैं, इसमें ग्रीन भी आते हैं, वाइट भी आते हैं और इस तरह से ये पर्पल वाले भी आते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाले लिए हैं। इस पर चाकू की मदद से क्रॉस स्लिट करेंगे और उसका जो टेल पोर्शन है वो कट कर देंगे। इसी तरह से सारे बैंगन रेडी करेंगे। पानी में डालने से क्या होगा कि बैंगन अंदर से जो उसका पल्प है वो काला नहीं होगा। अब जो हमारा मसाला प्रिपेयर किया है उसे स्टफ करेंगे। 2 ही क्रॉस में स्टफ करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे ही बैंगन को स्टफ कर दिए हैं और ये जो मसाला बचा है इसे साइड में रखेंगे, एज ए ग्रेवी यूज करेंगे हम। फिर एक पैन में 2.5 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे स्टफ किए हुए बैंगन। बैंगन कई लोग ग्रेवी के बिना इस तरह से सिर्फ स्टीम करके पकाते हैं। मैं यहाँ पर ये जो ग्रेवी हमने साइड में रखी है ये डालकर पकाऊंगी। इससे क्या होगा कि जिसको बैंगन नहीं पसंद वो एज अ ग्रेवी भी थोड़ा खा सकते हैं। और मोस्टली ये सब्जी खिचड़ी के साथ सर्व की जाती है तो खिचड़ी को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए भी ग्रेवी हेल्पफुल हो सकती है। थोड़ा सॉटे करने के बाद हमारा जो मसाला है वो डालेंगे, उसे भी थोड़ा सॉटे करेंगे जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर 1/2 कप जितना पानी डालकर अब इसमें पोर कर देंगे। पोर करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस सब्जी को ढककर 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने दीजिए या फिर जब तक कि बैंगन पक नहीं जाते। ये देखिए, हमारे बैंगन अच्छे से पक चुके हैं और ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। ये देखिए रेडी है। गार्निश कीजिए धनिया के पत्ते से। अब रोटी और खिचड़ी के साथ सर्व कीजिए। तो है ना बहुत ही आसान माउथ वाटरिंग सब्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो देर किस बात की, जाइए बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए।